इशक ज़ादे में आपने देखा दो अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करने वालों का प्यार कितना इम्तिहान लेता है। और अब रिपोर्टेडली इशक ज़ादे के बाद एक और डायरेक्टर इसी थीम को अपनी अपकमिंग फिल्म में लेकर आ रहे हैं, वो है आई एम के डायरेक्टर ऑनर। सोर्सेस से पता चला है कि ऑनर शेक्सपियरन प्ले हैमलेट के इंडियन अडेप्टेशन को जल्द ही एक फिल्म के रूप में लेकर आ रहे हैं, लेकिन सोर्सेस की माने तो उनकी फिल्म की स्टोरी हैमलेट से कम और इशक ज़ादे से ज्यादा इंस्पायर्ड नजर आ रही है। वैसे अभी फिल्म की कास्टिंग फाइनल नहीं है, पर सुनने में आया है कि फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक कर दी गई है, जो है दो अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करने वाले लवर्स की प्रेम कहानी। और इस प्रेम कहानी का ट्विस्ट ये है कि दोनों के प्यार में सोसाइटी की वजह से दरार पड़ जाती है, और अब जब ये स्टोरी लाइन बाहर आ गई है तो इतना तो क्लियर नजर आ रहा है कि ऑनर को इस कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, वरना उनकी ये फिल्म हैमलेट पर कम और हबीब फैजल के डायरेक्शन वाली इशक ज़ादे से ज्यादा इंस्पायर्ड लगेगी। और वैसे भी जब बात शेक्सपियर के किसी प्ले के अडैप्टेशन की आती है तो अब तक बॉलीवुड में जो काम हुआ है वो काफी धमाकेदार हुआ है, फिर भले वो ओथेलो से इंस्पायर्ड विशाल भारद्वाज की ओमकारा हो या फिर हैमलेट के अडैप्टेशन पर काम कर रहे सुधीर मिश्रा की, जो अब तक इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रूप में करीना की हां का इंतजार कर रहे हैं। यानी शेक्सपियर को अडैप्ट करना रहा है काफी सीरियस काम। सो ऑनर, प्लीज टेक केयर, कहीं जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना हो जाए। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई।